हाय यूट्यूब, वेलकम अगेन। आज है थर्सडे नाइट और अराउंड टाइम हो रहा है 9 बजे का और हम लोग बाहर जाने की प्लानिंग कर रहे हैं। मैं अपने दोस्तों के साथ यहाँ पर बैठा हुआ हूँ और अभी डिसाइड हो रहा है कि अब हम लोग बाहर कहाँ जाएंगे। तो मेरे एक दोस्त ने बताया है कि कौन सा मॉल है भाई, सर्च ही कर रहा है ये, पता नहीं क्या मॉल है ये, इसको भी मॉल का नाम समझ नहीं आ रहा, सेंट्रिया कुछ सेंटर मॉल है, पता नहीं क्या मॉल है। वहाँ जाएंगे, वहाँ देखेंगे क्या है नई चीज़, क्योंकि रियाद अच्छा सिटी है, आप जाके डिस्कवर करते हैं, हम लोग एक्सप्लोर करते हैं क्या है इसके अंदर। ये सारे मेरे सारे दोस्त बैठे हुए हैं, से हेलो गाइस। ओ भाई नंबू, तो जाते हैं हम लोग, मैं जाने की भी वीडियो बनाऊंगा रास्ते की, क्योंकि हम लोग पैदल जाएंगे, हमें पैदल चलने का बहुत शौक है। बिल्डिंग के ऊपर सात दे नंबर, अबे यार वो बहुत ज्यादा है, तो वो सबके साथ ले ले। भाई अभी हम लोग यहाँ पहुंचे हैं, मेरे बिल्कुल साइड में लाइब्रेरी है और ये लाइब्रेरी बहुत बड़ी है, मेरे खास ये नेशनल लाइब्रेरी है रियाद की, और ये साइड पे लाइब्रेरी है और ये उसके लाइब्रेरी के आगे फैमिली पार्क बना हुआ है और यहाँ जो है ना काफ़ी सारी खाने पीने की चीज़ें भी हैं। आप लोग फैमिली का फैमिली पार्क दिखाता हूँ हम लोगों को। ये सामने लाइब्रेरी है और ये फैमिली पार्क है, ये सामने दिल टूटते हुए हमें नज़र आ रहे हैं। आई होप आप लोगों को अच्छी लगी होगी लाइब्रेरी, और ये बहुत बड़ी जगह है, यहाँ पर डिफरेंट तरह की चीज़ें भी मिल सकती हैं आप लोगों को, सस्ती चीज़ें। और मैं यहाँ पर आ गया हूँ अभी मोबाइल कवर्स के सामने, मोबाइल कवर मुझे लेना है ऑलरेडी, तो मैं मोबाइल कवर खरीद लेता यार। मैं आप लोगों को बताता हूँ कि कितनी सस्ती चीज़ें यहाँ पर मिलती हैं। मैंने एक मोबाइल कवर लिया, वो मोबाइल कवर नॉर्मल शॉप्स पर बहुत महंगा मिलता है, अराउंड कोई 60-70 रियाल का, और वो मुझे 20 रियाल का मिला है, तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है यहाँ। सबसे अच्छी चीज़ मुझे मिडिल ईस्ट की जो लगी है ना, आप रोड पे खड़े हुए हो, गाड़ियाँ आ रही हो, गाड़ियाँ आप लोगों के लिए रुक जाती हैं, इतनी इज्जत देते हैं यहाँ पर ये लोग। और एक है कराची हमारा इतना अच्छा सिटी जहाँ पर गाड़ियाँ नहीं रुकती और गाड़ियाँ उल्टा आप लोगों को मार देती हैं, यहाँ पर ये लोग इज्जत करते हैं पैदल चलने वालों की, और अगर कोई सामने से आ रहा हो भले वो एक ही बंदा हो, गाड़ी रुक जाती है और आप लोगों को जाने देते हैं, ये अच्छी बात यहाँ पर मिडिल ईस्ट की। यही हैं वो लोग जिन्होंने अभी अभी रोड से भाग के जिन्होंने रोड क्रॉस किया है, इन्हीं की वजह से हम बदनाम हैं सारे। हम लोग पहुंच चुके हैं सेंट्रिया मॉल, दिस इज सेंट्रिया मॉल, काफी खूबसूरत लग रहा है। यार मॉल तो ऐसा हो, मतलब इतना पॉश मॉल है ये कि मैं आपको बता नहीं सकता, यहाँ पर मतलब चीज़ें देखने के भी पैसे हैं, यहाँ पर आप विंडो शॉपिंग तो कर नहीं सकते। पहली बात तो ये जो जगह है ये सिर्फ फैमिली अलाउड है, और हम लोगों को बड़ी मुश्किल से कुछ ने दिया है इन लोगों ने, और ये दोस्त का भी नहीं है, फैमिली का भी नहीं, लड़कियों का मॉल है, शॉपिंग सब कुछ लड़कियों, सिर्फ लड़कियाँ घूम रही हैं, सिर्फ लड़कियाँ घूम रही हैं, हम बहुत गलत जगह आ रहे हैं, हम जा रहे हैं। तो यार आप लोगों ने सुन लिया होगा मेरे दोस्त की बात, और ये सही कह रहा है, और बहुत महंगा मॉल है। टिंडर पे मैसेज आ रहे हैं। चलो यार हम लोग जा रहे हैं यहाँ से बाहर निकल रहे हैं, क्योंकि हमारे काम की एक भी चीज़ नहीं है यहाँ पर, और जो मुझे लेना है वो तो बिल्कुल भी नहीं है। भाई अब सीन कुछ ऐसा हो गया है, हम लोगों ने सेंट्रिया मॉल देख लिया है, हमारे काम की एक भी चीज़ नहीं है, अब हम जा रहे हैं सामने, बिल्कुल किंगडम टावर है। आप सिर्फ बाइक चेक करें, सिर्फ बाइक चेक करें,
यहाँ बाइक है, इंशाल्लाह एक दिन मेरे पास होगी ऐसी बाइक। भाई करीब पहुँच गए, ये सामने टावर है जो किंगडम टावर है, यहाँ पर हम लोग जा रहे हैं। भाई हम लोग पहुँच गए हैं किंगडम टावर के बिल्कुल नीचे खड़े। ये किंगडम टावर क्या लग रहा है यार, द फीलिंग, द एक्साइटमेंट जो अंदर आने की है और अभी ऊपर जाने की है वो मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता। हाँ भाई, तो हम लोग पहुँच चुके हैं, हम लोग अंदर घूम रहे हैं और मॉल देख रहे हैं, मज़े ले रहे हैं। अभी हम लोग सोच रहे हैं कि सबसे ऊपर वाले फ्लोर पे जाएं, अब देखते हैं क्या सीन बनता है। जहाज़ नहीं देंगे अभी, नहीं जाने देंगे क्योंकि बहुत टाइम हो गया है और मॉल में खासे कोई 20-25 मिनट बंद हो जाएगा, तो मैं आप लोगों को मॉल घुमाता हूँ इतने में। भाई अभी हम लोग तकरीबन कोई 4th या 5th फ्लोर पे खड़े हैं और ये पीछे से आप देख लें, और जहाँ मैं खड़ा हूँ ये बहुत डर लग रहा है मुझे, कभी भी पुलिस आ सकती है। हम सारे खड़े हैं और हमने यहाँ पर तस्वीरें ली हैं और ये बिल्कुल मेरे पीछे आपको दिखेगा किंगडम टावर। इसको देखने की जो एक्साइटमेंट और जो फीलिंग है ना बहुत ही लेवल की है। और अभी तो यहाँ पर इन्होंने बंद कर दिया है, तो हम लोग कुछ दिन बाद दोबारा आएंगे और सबसे ऊपर वाले फ्लोर पर जाएंगे। फाइनली अब जाने का टाइम हो गया है, तकरीबन कोई 11 बज रहे हैं और इन्होंने ये मॉल बंद होने का टाइम है एक्चुअली, तो हम लोग वापस आएंगे कुछ दिनों बाद और उस किंगडम टावर के सबसे टॉप फ्लोर पे जाएंगे और आप लोगों को दिखाएंगे व्हाट इज़ रियाद। भाइयों आज का व्लॉग यहाँ पर ख़त्म होता है और अल्लाह हाफ़िज़।